महिला दिवस पर सुबह शर्मसार, शहर दर शहर हो रहे बलात्कार, औरतों के लिए असुरक्षित आज भी जहां, आधी आबादी जाए तो जाए कहां, नारी हम शर्मिंदा हैं। जी हां, नारी हम शर्मिंदा हैं। ये सवाल इसलिए, ये बात इसलिए क्योंकि ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर तक, बहराई से बागपत तक औरत की आबरू नोची जा रही है, आबरू लूटी जा रही है और हम सशक्तिकरण का ढोल पीट रहे हैं। सरेआम बलात्कार हो रहे हैं और हम महिला दिवस मना रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं, जबकि आज आधी आबादी को हम सुरक्षा तक नहीं दे पाए। हे नारी हम शर्मिंदा हैं। ललको मेरे बस मैं खत्म ही हो गई। ये आंसू किसी एक औरत के नहीं, आधी आबादी के हैं, जो पूछ रही है सूबे के पहरेदारों से, समाज के ठेकेदारों से, पुरुषत्व के पैरोकारों से कि आखिर कब तक उसकी आबरू लुटती रहेगी। कहने को तो आज महिला दिवस है, लेकिन सूबे में आज हैवानियत का दिन है। न लाज न लिहाज, हर तरफ हैवानियत का राज। बरेली से बागपत तक, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर तक आबरू नीलाम है, बलात्कार सरेआम है। बरेली में दो हैवानों ने एक मां की ममता का कत्ल करने के साथ ही उसकी आबरू को नोच डाला। बस में महिला को अकेला पाकर ड्राइवर और कंडक्टर ने बलात्कार किया। महिला की गोद में चिपके 14 दिन के मासूम का भी लिहाज नहीं किया और इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामा अपनी बहन की हिंसा आई थी, बतमीजी मेरे बसाने का, ये तो मेरे कदम बहुआ। कितने लोग थे? दो लोग हैं। लड़की का कहता पैसा हम देंगे, मैंने मैं तेरे पैसे नहीं मुकना है, मोई से ले ले पैसा दे। बोले बोले हम ना लेंगे, बिना मोको मुंह बंद कर लो मेरो। दिल्ली से सटे नोएडा में पड़ोसी ने नाबालिग की आबरू नोचने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। दरिंदे की करतूत के बाद महिला दिवस के दिन वो लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष में है। ये एक तरफा मोहब्बत थी, वो जबरदस्ती परेशान करता रहता था, देर रात आके जला दिया उसको, सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर कर दिया यहाँ से। नहीं, तारीख में तो दर्शाया है कि लड़का घर में आया, घुस के जबरदस्ती बलात्कार किया, उसके बाद लड़की के ऊपर आग लगा के जलाया और मारा। इधर बागपत के एक अधेड़ ने 11 साल की मासूम की आबरू लूटी और फरार हो गया। लगभग 10 साल की, एक अधेड़ 55 साल का, उसी गांव का रहने वाला है। उस 55 साल के उस अधेड़ ने उसके साथ में बलात्कार किया है। बंद मकान में दोनों को एक साथ पकड़ा गया, अभी तो जांच के बाद पता चलेगा कि इसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। वो हमेशा प्रतिबंधों के पर्दों में पिसी है, पुरुष वर्ग के दंभ और दादागिरी ने उसे हमेशा दबाया है, उसकी देह को नोचा है। सवाल यही है कि आधी आबादी आखिर कहां जाए। आज महिला दिवस पर सुबह शर्मसार है, शहर दर शहर बलात्कार है। हे नारी हम वाकई शर्मिंदा है। यदुवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो महिला दिवस यानी महिलाओं का दिवस, महिलाओं का वो दिन जिस दिन उनको ये एहसास कराया जाए कि हाँ तुम खास हो, समाज में तुम्हारा बराबर का दर्जा है, तुम्हारे पास भी समान अधिकार है। लेकिन क्या वाकई वो माहौल है? क्या वाकई महिलाएं खुद को सुरक्षित, समान और क्या खुद अपने सभी अधिकारों को इस्तेमाल करें, क्या वैसा सोच पा रहे हैं, क्या वैसा माहौल उनके लिए बनाया गया है? यही आज हमारा सवाल है कि आखिर आबादी, जो देश की आधी आबादी है, वो आखिर जाए तो जाए कहां। महिला दिवस हम मना रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को मजबूत करने की बात होती है, महिलाओं के समान अधिकार की बात होती है। कहा जाता है कि महिलाओं को ऊपर उठना होगा, समाज में उनको माहौल देना होगा, सरकार भी यही कहती है, घर से भी यही आवाज उठती है और समाज से भी यही आवाज उठती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज नारी हम शर्मिंदा हैं। जो हालात हैं,
चाहे बात सूबे की हो या फिर देश की हो, शहर दर शहर बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिलाओं को और क्या देंगे जब हम उन्हें सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे। लेकिन हमारे साथ सभी महिलाएं, वो इस पर क्या सोचती हैं महिला दिवस को लेकर, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। धर्मगुरु कृष्णा शर्मा हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो से ही, बीजेपी के नेता रुमाना सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ हैं, एडवोकेट राखी दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता नीलम कुमार हैं लखनऊ से, और नाइस ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले कृष्णा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। हम महिला दिवस मना रहे हैं, आपसे पहले आपने रिपोर्ट देखी, चाहे बात नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा की हो, बागपत की हो, बरेली की हो, किस तरीके से आबरू लूटी जा रही है महिला दिवस पर, ये तस्वीर बेहद शर्मसार करती है और शायद महिला दिवस के उस मकसद से भी उलट नजर आती है। जी, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जिस तरीके से महिला दिवस पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये महिला दिवस पे हम इस तरीके से महिलाओं के साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं, यानी अपने आप को बहुत दबंगई जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है जब इनको अरेस्ट किया जाता है इनका चेहरा ढक दिया जाता है, चेहरा नहीं ढकना चाहिए, लोगों के सामने समाज के सामने इनको बिल्कुल जो है चेहरा हटा के इनको जो है पेश करना चाहिए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि ये कितना बड़ा दरिंदगी इसने किसी स्त्री के साथ में की है, ये कितना बड़ा हैवान जो है जो लोगों में समाज में हमारा खतरा पैदा कर रहा है। अगर इनका आप चेहरा ढक देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो जेल में अपनी सजा काटते हैं, फिर उसके बाद कोई नाबालिग कह के उसे छोड़वा लेते हैं, उसके बाद जो है वो फिर कोई क्राइम करता है, फिर जो है समाज में कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उसको पता है हमारा प्रशासन हमारा कानून कहीं ना कहीं उसको बचा लेगा, या तो नाबालिग कह के बचा लेगा या कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारी स्त्रियों के। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये हालात है क्यों। सबसे पहला सवाल तो ये आपके पास फिर लौटेंगे, शबनम खान जी, आप किस तरीके से देखती हैं, आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, बात होती है कि नारी को और मजबूत किया जाए, उसको समान अधिकार दिए जाए, समाज में उसको ऊपर का दर्जा दिया जाए, बराबर दर्जा दिया जाए, उसको ये महसूस कराया जाए कि वो कहीं पर भी कम नहीं है, लेकिन आज हम सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं उनको। गायत्री, आपने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, हालांकि हम सब सोचते हैं कि निराशा की बात ना की जाए जी, क्योंकि महिला दिवस है तो और ज्यादा सशक्त होने के लिए क्या क्या करना चाहिए इस पर चर्चा की जाए, लेकिन जब 8 मार्च को ही महिला दिवस, जो महिलाओं के लिए आपको सारी पार्टी इतनी सजग दिखाई देती है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला को पढ़ना भी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या भी नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा भी सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर हम समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उसकी भी बात करें, तो हर कोई महिलाओं के प्रति बातें तो बड़ी बड़ी करता नजर आता है, लेकिन जब आप चेहरा दिखाती हैं तो बड़ा भयंकर नजर आता है, बड़ा खौफनाक नजर आता है कि क्या महिला दिवस, तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए रोज ही दिवस है, महिलाएं हमेशा डेडिकेशन के साथ हर दिन उठकर सुबह से, परिवार हो, बाहर हो, कामकाज हो, सब में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देती हैं और पूरी सशक्तता के साथ देती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके की चीजें देखते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आज के टाइम भी, इतने साल बाद भी, महिला सशक्तिकरण पर बात करने के बाद भी, महिला की आधी आबादी की पूरी वोट लेने के बाद भी, कहीं ना कहीं खाली हाथ नजर आते हैं। जब हमें सुरक्षा देने की बात आती है तो सारी पार्टियां मुझे खोखले दावे और खाली हाथ दिखाई देती है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, क्यों आज भी हाथ खाली है? हेलो नीलम कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान Hello? एक मौजूदा सा सवाल उठा रही है, एक जी बहुत मौलिक सवाल कि हम जी, बात जी. तो हमेशा करते हैं महिला सशक्तिकरण की, चाहे जी. बात राजनीतिक जमात की हो, प्रशासन की हो, शासन हाँ. की हो, लेकिन इतने सालों बाद भी, जब से हमने महिला दिवस मनाना शुरू किया है, हालात तो आज भी वही के वही है। जी बिल्कुल ठीक। पहले तो थोड़ा मैं सुधारना चाहूंगी कि मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, दिल्ली से हूँ मैं, और आज भी हमारे हाथ इसलिए खाली है कि नेताओं में और राजनेताओं में विल नहीं है महिलाओं की हालत सुधारने का, वो चाहते नहीं है कि महिलाओं की हालत सुधरे, हम लोग उसी तरह अपना काम करते रहे, दबे कुचले रहे, कोई चाहता नहीं हम आगे बढ़े, और महिला दिवस मनाने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि रोज महिला का कोई सम्मान नहीं होता, महिला के बारे में कोई बात नहीं करता, महिला की सुरक्षा के बारे में कोई सोचता नहीं है, इसलिए हम एक दिन फिक्स कर देते हैं कि 8 मार्च है,
ये महिला दिवस है, इस दिन शोर शराबा कर दो ताकि सरकारों को लगे कि हम महिलाओं का कितना ख्याल रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में कितना सोच रहे हैं। और महिला के सुरक्षा के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं भी पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती, कहीं कैमराज नहीं लगे हुए, कोई महिला की बात नहीं सुनता। महिला थाने में जाती है, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, उसकी FIR लॉज नहीं होती है, उसे दर दर भटकना पड़ता है। तो सबसे बड़ा रोल मैं राजनेताओं का कहूंगी कि वो थानों में पुलिस को इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे कि महिला कोई भी शिकायत लेकर आए उससे इज्जत सम्मान से बिठाए और उसकी FIR लॉज हो, और उसके पास जितने अधिकार है वो उनके बारे में उनको बताएं। उनके पास अधिकार है कि वो अपना लॉयर लेके जाए, उनके पास अधिकार है कि वो ऑनलाइन FIR लॉज करे, और उनके पास अधिकार है पुलिस। राखी दुबे जी, क्या एक दिन से, क्या एक दिन से हालात सुधरेंगे, महिलाओं का वो स्तर मजबूत हो पाएगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिसके लिए हम बरसों से लड़े जा रहे हैं, क्या उस एक दिन से वो तमाम चीजें पूरी हो पाएंगी? और उससे भी ज्यादा शर्मनाक चीज तो ये है कि महिला दिवस पर भी बलात्कार हो रहे हैं। देखिए गायत्री, मैं कहूंगी जो महिला दिवस है ये 1908 से स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क से, और पहला महिला दिवस जो बनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था डिफरेंट कंट्रीज, वो 1911 में था। लेकिन अफसोस की बात है कि 1911 से आज हम 2016 में बैठे हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में आज भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मिली महिलाओं को। अगर हम भारत को भी छोड़ें, इंटरनेशनल लेवल बात करें तो इंटरनेशनल लेवल में भी ये, इसीलिए मजबूरन हमें 8 मार्च को महिला दिवस बनाना पड़ता है, क्योंकि महिला को जो हक है, जो जगह महिला की है सोसाइटी में, आज तक इंटरनेशनल लेवल में उसको नहीं मिली। एंड आप देखिए स्टैटिस्टिक्स ही कहते हैं, अभी और 15 साल लग जाएंगे तो संतोष नहीं कर सकते। राखी जी, मैं यही तो कह रही, अफसोस की बात है कि बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि इतने साल की स्ट्रगल के बाद भी स्त्री को वो जगह नहीं मिली सोसाइटी में जो उसको मिलनी चाहिए। भले ही आप जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें, इतने अमेंडमेंट्स हो गए, दामनी के केस से पूरा रेप लॉ चेंज हो गया, लेकिन क्या उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? चेंज तो हुआ, सबने अपनी राजनीति करी, बस और कुछ नहीं। राजनीति करने के लिए सारे लोग अपने अपने सामने आए। आप देखिए नेता है, राजनीति करते रहे जी। आप अगर देखिए दुगले चेहरे हैं, आप एक लोग समय बचाते हैं, फंड भी इकट्ठा करा, आप खुद, आप ये भी नहीं मीडिया में आके सपोर्ट करें रेपिस्ट को, तो सही की साहब रेपिस्ट को तो प्रमोट ही करें ना रेप को। अगर आप देखिए तो कई यूपी के नेता हैं जिन्होंने मीडिया में आके उनको कहा कि ठीक है बचकानी गलती हो गई। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपको पब्लिक मीडिया में सही देखिए क्या क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? एक तरफ अमेंडमेंट हो चंदन जी आपके पास आएंगे, नाइसा जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है नाइसा से, महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए, और ये जो उम्मीद लगातार लगाई जा रही है वो ये एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ हम सशक्त हैं, हम मजबूत हैं, या उस ओर काम हो रहा है, क्या आज वो माहौल आपको दिखाई देता है? जी आपने और आपके इस मंच ने दो तीन बातें छेड़ दी हैं। पहली बात ये, आप जो कह रहे हैं कि जो माहौल दिखाई देता है, महिला सशक्तिकरण एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें हम ये भी कह सकते हैं बदलाव हो भी रहा है और बहुत बदलाव होना अभी बाकी है। दूसरी बात, जो कुछ महिलाएं एक बहुत हल्के तरीके से कह देती हैं कि एक दिन महिला दिवस क्यों, महिला दिवस जो है वो औरतों के संघर्ष का दिन है, ये यूं ही कोई 8 मार्च तय नहीं हो गया था, ये मैं जानकारी के हालात भी तो सुधरने चाहिए, नारी की लड़ाई काम हालात भी तो सुधरने चाहिए, महिला दिवस हम मना रहे हैं, हालात सुधरे हैं, कई बलात्कार 1910 से आज तक हालात में बदलाव नहीं सुधरे, हालात पिछड़ापन जो पितृसत्ता से मिला है हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा, और जहां जहां पितृसत्ता में अच्छी चोट हुई है वहां औरतों को बदलाव नजर आया। आप कहने की बदलाव हो रहा है, कोई सिर्फ एक नेता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई चौखट के अंदर से शुरू होती है, लेकिन बाहर दम तोड़ देती है जहां पर आरोपी को संरक्षण मिलता है। हम अपने लड़ाई घर से शुरू होकर वहां दम तोड़ देती है जहां पर आरोपी को संरक्षण मिलता है, महिला की आबरू तार तार होती है, उछल दिया जाता है। शब्दम खान, आप भी कहना चाह रही थी, ज़हनियत तैयार करते हैं घर के बाहर भी होता है जी, आप ये नहीं समझ रही हैं कि ज़हनियत तैयार करते हैं वो बहुत खराब है। ठीक है ठीक है, शब्दम जी गायत्री, क्या बदलाव हो रहा है? बाहर का पूरा डिस्कोर्स बहुत लंबा है, कोई दो राय नहीं कि चलिए बदलाव की तरफ हम बढ़े हैं। पहले सड़क बहुत कच्ची और ईंटों वाली हुआ करती थी, आज पक्की बन गई है, पहले एक कच्चा घर हुआ करता था, कोठियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे ही महिलाएं थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन ये कोई महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि बड़ा सशक्तिकरण हमने उभारा नहीं।
हम अभी वहीं के वहीं अटके हैं और कुछ परसेंट ही महिलाएं हैं जो आज यहाँ चर्चा में बैठी हैं, जो आज बाहर थोड़ा बहुत काम कर पा रही हैं। आज भी आप अगर गांव-गांव घूमेंगी गायत्री तो महिलाओं को बाहर झांकने तक की इजाजत नहीं है। पति भी शोषण करता है, जेठ भी शोषण करता है, ससुर भी शोषण करता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप सिर्फ शहरों राजनेता जब तक नहीं होगी और सारी महिलाएं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोशल हो या किसी भी पार्टी से बिलोंग करती हो, एकजुट एक मुट्ठी बनकर नहीं काम करना शुरू करेंगी, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। हमें उनसे कोई आशा नहीं रखनी जो हमें सशक्त नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो जरूर हम सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जहां जहां महिलाएं एकजुट हुई हैं उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें करके दिखाई। आप किस तरीके से देखती है, क्या आज वो वातावरण है महिलाओं के लिए जिसमें वो खुद को सुरक्षित महसूस करें? और जिस उम्मीद के साथ हम चले थे कि हाँ हम आने वाले वक्त में महिलाओं को वो माहौल देंगे जिसमें वो सुरक्षित हो, आगे बढ़ सके, हालांकि नाइस हसन कह रहे कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बलात्कार के आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और पहले तो सब नारी शक्ति को जो है आज का दिन को विश करते हैं और ये देखिए कि बात सही है कि नारी आज की तारीख में सशक्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये अपने यहाँ जो पुरुष प्रधान देश है उसमें कोई भी पुरुष नारी को आगे बढ़ने नहीं देता है। और रही बात कुछ मतलब नारी करे आगे तो वो पहले घर से ही उसको रोक दिया जाता है, उसको ये निकाला जाता है कि वो खुल के आगे आए या वो कोई काम आगे आके करे। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें अपने घर में समाज में देखना होगा। और जब हमें करती है तो समाज में वो जो मामले सामने आते हैं, जो दरिंदगी देखती दरिंदगी है नहीं। पहली बात तो हमारे को ये चीज देखना होगा कि हमारे जो अगर किसी महिला या लड़की के साथ कोई कुछ हरकत होती है उस हरकत को खुलेआम बताया जाए जिससे कि हमारे पुरुष जो है रोक देते हैं, जिससे कि वो समाज में उसको बदनामी मिलेगी। इससे जो है हमारे यहाँ जो दरिंदगी होती है, जो दरिंदे हैं उनको और हौसला मिल जाता है। उस हौसला अफजाई को रोकने के लिए जैसे कि अभी शबनम जी ने कहा था कि चेहरे खुले होने चाहिए, वैसे ही जो है उनका चेहरों को ढका ना जाए। तो इसलिए जो है उन लोगों को वो कम उम्र को होके कहने पे जो है उनको छूट मिल जाती है। आज ही देखिए एक हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उस पे देखिए आज एक यूपी के अंदर कितना बड़ा कांड हुआ है कि औरत बेचारी रो रही है उसके साथ बलात्कार। एक तो सबसे पहली बात है कि यूपी को जो है यूपी में पुलिस को ये देखना होगा कि उनका डर जो पब्लिक के अंदर डर है वो खत्म हो गया, क्योंकि मुखिया जो इस टाइम सरकार चल रही है उसके मुखिया ने कहा कि गलती हो जाती। जब किसी के माइंड में ये बात आके बैठ जाएगी कि मुखिया हमको हमारा बचाव कर रहा है तो फिर हमें किस चीज का डर है? तो डर जब तक अगर किसी के दिल दिमाग में डर नहीं बसेगा तब तक हम नारी को या लड़कियों को यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कृष्णा जी। हम सशक्तिकरण में हम सिर्फ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जब वो सुरक्षित होंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी ना। सबसे पहले गायत्री एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी, 8 तारीख का जो हमने रखा है कि 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं। 8 यानी कि शनि का नंबर है, न्याय के देवता का, और न्याय मिलता नहीं है जो जिसका हम मना रहे हैं, जिस यानी कि स्त्रियों ने महिला दिवस मनाया है। अपने हक के लिए वो बढ़ते हुए स्त्रियों को देख ही नहीं सकते, नहीं आप कहीं ना कहीं बातों को ये लोग दबाते रहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए नाइज। हेलो कृष्णा जी, आपके पास फिर आएंगे। नहीं सॉरी, ये इस तरह की बेमतलब बहस होगी तो सॉरी मुझे आपसे माफी मांगना पड़ेगा कि शनि का दिन है, शुक्र का दिन है, ये औरत का डिस्कोर्स नहीं है। अगर इतनी समझदारी नहीं है नहीं, नहीं जी बहुत, क्योंकि ज्योतिष भी शायद कहीं ना कहीं शनि का दिन है। हम अपने हिसाब से बताइए, नहीं वो ज्योतिष भी है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है नाइस, आप सॉरी रखिए, हम अपने हिसाब से कृष्णा जी, हम ये बता रहे हैं हमें तो डेली बनाना चाहिए। 8 ही तारीख क्यों, 8 मार्च क्यों? हमारे लिए तो रोज होना चाहिए महिला दिवस, मनाना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, घर से सम्मान होना चाहिए। किसने आपको मना किया कि आप भेदभाव ना करिए? किसने आपको मना किया कि मेरे ख्याल से तो आज के दिन हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि
आपस एक साथ होकर चलना चाहिए। उनकी आपत्ति सुन लेते हैं उसमें, रुमाना जी, रुमाना जी, कृष्णा जी, उनकी आपत्ति सुन लेते हैं। सही बात, आप अपनी बात रखिए। और कृष्णा जी ज्योतिष है शायद, इसलिए उन्होंने ये बोला। नाइस, हाँ आप अपनी बात कहें जी। मेरे बोले देखिए गायत्री, गायत्री आप इस चर्चा को चला रही हैं, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए, 8 मार्च हमेशा शनि का दिन नहीं होता है। 8 मार्च का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, और किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को एक दिन नहीं 365 दिन काम करना चाहिए, और काम कर रहे हैं लोग, तभी हम थोड़ा बदलाव देख पा रहे हैं। तो इस आप एक एक दिन के चक्कर में आप क्यों पड़ रही है, और 8 मार्च को ये हमें जो है मजदूरी के स्तर पे जो हमारे साथ गैर बराबरी थी उसके लिए औरतें लड़ी थी, उन्होंने अपने छुट्टी के घंटे तय किए थे, उन्होंने काम के घंटे तय किए थे, आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है मैडम, और आप इस तरह की बहस नहीं। हम अपने नाइस जी, सवाल ये है, आपने कहा कि बदनाम हो रहा है, आपने बोला बदनाम हो रहा है सकता, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर 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 वो बदनाम आता है, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो लड़कियां खुद को ऐसे महसूस करती है घर से बाहर निकलने में, वो जो घर से निकलती है वो कहीं ना कहीं उन्हें बाहर दम तोड़ देती है, जब सुनाई देता है कि मामले में कांड हो गया है, समाज में कांड हो गया है। गायत्री बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, गायत्री आप मुझे सुन लीजिए दो मिनट, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, लेकिन 1910 का जमाना और आज का जमाना, हजारों लाखों की तादाद में हमारी बच्चियां स्कूल जा रही है कि नहीं, 1910 से बदलाव आ रहा है, नौकरियों में आ रही है कि नहीं, लड़ाई लड़ रही है कि नहीं, पार्लियामेंट में जा रही है कि नहीं, लेकिन लेकिन बदलाव तो पूरे समाज में आ रहा है। आज के बदलाव, एक सेकंड सुन लेते हैं उनको, जितना बदलाव आ रहा है वो औरत के लिए काफी नहीं है, जो बदलाव आ रहा है और बदलाव होना चाहिए, गैर बराबरी बहुत जड़ों में है अभी, ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं, ये खारिज ना करें कि 1910 से आज तक कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, हुआ है बहुत कुछ, तभी हम और आप चैनल पे बैठ ठीक है नाइस कर रहे हैं शबनम जी, लेकिन अभी बहुत कुछ खारिज नहीं किया कि 1910 आप क्या चाह रही थी कि 1910 वाला ही 2016 तक रहे माहौल, अरे कुछ तो बदलाव आना ही था, लेकिन सुरक्षा पर जो बदलाव आना चाहिए था, गायत्री गायत्री आपने जो मुद्दा रखा है, आपने सुरक्षा पर मुद्दा रखा है, बदलाव का क्या, आज भी महिलाएं असुरक्षित है क्या, आज भी महिलाएं घर से बाहर जाती है तो क्या वो सम्मान के साथ घर लौट पाती है, और शनि का नंबर है 8 या किसी का भी नंबर है 8, मुझे सरकार और प्रशासन से सुरक्षा चाहती हूँ, महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ कि देश और प्रशासन जो हमारी सरकारें हैं और प्रशासन है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं पंगु बनके सरकारों की गुलामी करता नजर आता है, जबकि उनका काम है महिलाओं को सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, जो भी व्यक्ति जो भी देश का नागरिक है उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकारों का काम है उन तक पहुंचाना, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी बपौती समझती हैं, हर कोई अधिकारी या जो भी सरकार बदलती है आप देखिए पूरा अपना ढांचा बदल लेती है, अपने अकॉर्डिंग ऑफिसर्स मलाई वाली कुर्सियों पर बिठाती है, ये सब हमें राजनेताओं को बदलना होगा गायत्री, जहां पर हम सुरक्षा पे कितनी भी बात करें जब तक राजनेता इच्छा शक्ति मजबूत नहीं करेंगे गायत्री जी, आप और हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, और 1910 से 2016 तक अगर रत्ती भर बदलाव आया है तो ये शर्मिंदा होना चाहिए सरकारों को और प्रशासन को कि क्या 1910 से 2016 तक बहुत लंबा बलात्कार की बात हो रही है, बलात्कारी आराम से घूम रहे बस में, बस में बलात्कार हो जाता है गायत्री, ये तो बेहद शर्मिंदा करने वाली बात है, जिसके घर में पुरुष नहीं है वो लड़के अगर काम कर रही है, इतना बड़ा ठीक है कृष्णा जी, समाज के लिए शर्मिंदा होने हम वही साफ कर देते हैं, हम सशक्तिकरण में सबसे पहले सुरक्षा की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर महिलाएं सुरक्षित होंगी तो उनका सशक्तिकरण हो पाएगा, तो वो घर से बाहर निकलेंगी, लेकिन आज वो हालात नहीं दिखते, गायत्री क्या किसी नेता का बिल्कुल महिलाएं सुबह निकलती है तो उन्हें पता नहीं चलता कि शाम तक सुरक्षित आएंगी, बिल्कुल ठीक कह रही है, जब महिलाएं सुबह घर से बाहर निकलती है अपनी नौकरी के लिए या काम के लिए,
वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती, किसी के पति नहीं है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए भी पाएंगे, अपने परिवार को एक भी पाएगा, हमारी समाज समाज कानून क्या करता है, कुछ नहीं, कोई सरकारी सहायता किसी को नहीं मिलती, किसी पुलिस वाले को बोलो तो वो सुनता भी नहीं है कि महिला ये प्रॉब्लम में है। नीलम जी, ये भी होता है कि आप प्रॉब्लम होती है जिसको आप नोट भी नहीं कर, चली गई है हमारे साथ चली गई है, लगता है कि जी जी बताए गाड़ी के हम किसी के हिसाब से बात करने सबको अपनी बात रखने का हक है, और शायद नाइज करने बैठे, नाइज शायद विषय नहीं समझ पाए कि क्यों हम सुरक्षा का मसला उठा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बात कर रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कोई, बिल्कुल। रोमाना जी, आप यही कह रहे हैं कि 1910 से तो लगातार हो रहे बलात्कार और महिलाओं में पनप रही असुरक्षा की भावना, वो इसलिए क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार उनको असुरक्षा का जो भाव है वो देखने को मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि आए दिन उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नारी हम शर्मिंदा है। आज महिला दिवस है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को मजबूत करने की बात होती है, लेकिन क्या वो हालात हैं आज, लगता तो नहीं है। खैर, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलम जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी जी जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि घर से हम निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि शाम को हम लौटेंगे तो सुरक्षित लौटेंगे, पता नहीं रास्ते में हमारे साथ क्या हो, और हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, किसी पुलिस वाले के लिए पुकार करोगे, उससे हेल्प मांगो तो वो सर मुंह फेर के खड़ा हो जाता है, किसी थाने में जाओ तो वो सीरियसली लेते नहीं है, FIR लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं होते, टाल मटोल करते हैं। दूसरा ये है कि सरकारों ने ये कहा था कि हर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एक कमिटी बनाई जाएगी जो महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस नोट करेगी और उनपे एक्शन लेगी। आज तक कितनी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज में इस तरह की कमिटी बनी है जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करे, और क्या अधिकार महिला को दिए हुए, महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं है, महिलाएं अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, महिलाएं कहीं जाना चाहे तो वो हस्बैंड का नाम खोजते हैं, किसी फॉर्म को भरो तो हस्बैंड का नाम भरना पड़ता है, महिलाओं का नाम कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है। हम तो सशक्त महिलाएं, लेकिन हमें तिगुनी चौगुनी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुष वर्ग के हिसाब से, तब हम कहीं किसी उस पे पहुंच पाते हैं जी। इसी तरह सारी बातें नहीं पा रही है कि महिलाओं की सशक्तिकरण से सशक्त किया जाए। देखिए, महिला मजबूत, महिला सशक्त तभी हो पाएगी जब उसको शिक्षा अच्छी तरह मिलेगी, घर से उनको लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनको इस तरह का ग्रोन अप किया जाए कि नहीं तुम जब तक पढ़ोगी लिखोगी नहीं तुम्हें कुछ एक सामाजिक ज्ञान नहीं आएगा। जब अगर कहने से कोई नहीं पढ़ाता है, कहने से पढ़ाता नहीं है गांव में लड़कियों को, मैं ये कह रही हूँ कि फैमिली कोई नहीं पढ़ाता है, कहने से नहीं नहीं नहीं, मैंने कई लोगों को बोला है कि लड़कियों को पढ़ाओ, पैसा मैं दूंगी, नीलम जी ये सुनिए, काम करवा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, सबसे उनको सशक्त करने के लिए उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनका कहना बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, मुझे भी एजुकेशन है पढ़ाने के लिए, क्या करें क्या करें घर से देना चले कि जैसे तुम्हारे पास अपनी घर में बहने हैं, भाभी हैं, माँ है, उसी तरह दूसरे भी घर की लड़की उनकी बहन या भाभी है जो है उसको एक इज्जत से देखो। जब तक कि घर से अगर हम लड़कों को अच्छी शिक्षा नहीं, सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे आएगी, यही सुधर सकता है नीलम, सारी जिम्मेदारी शिक्षा देने की भी जिम्मेदारी महिलाओं पे ही आएगी। नहीं, महिलाओं की बात नहीं है, महिला तो अपने में खुद सशक्त हो जाएगी जब वो अपने आप पुरुष के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। नहीं नहीं, महिलाओं की इज्जत करो, उसकी भी और महिलाओं, हम अपने बेटों से क्यों नहीं करते। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि हमें पहले अपने घर के सहमत है, ठीक है रोमाना जी, आपकी बात है, उन्हीं को समझाना होगा जी। गायत्री, आज एक सेमिनार था, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेतागण बैठे हुए थे, मैंने कहा कि सशक्तिकरण पर सब बड़ी बड़ी बात करते हैं और करनी भी चाहिए, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जाने के लिए आपको कुछ कहना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक मांग की जो मैं आपके माध्यम से भी करना चाहूंगी जी, कि दसवीं तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए पूरे देश में, बिल्कुल, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उन्हीं स्कूलों में जहां आप हमारी पढ़ाई मुफ्त कर रहे हैं,
हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए काम करिए, आप हमें दसवीं तक पढ़ाइए, आगे सशक्तता का जो भी हमारा वो होगा हम खुद राह चुनेंगे। वो सारी मांगे अच्छी है शबनम, लेकिन सुरक्षा की गायत्री जी दोनों में से किसी ने भी हामी नहीं भरी, दोनों पार्टी में से किसी आप प्रधानों को जिम्मेदारी दीजिए कि उनके गांव की कितनी बच्चियां स्कूल में जाती है, ये सब पार्टी पॉलिटिक्स से ही चुने जाते हैं। प्रधानों को जिम्मेदारी जी उस पर शबनम जी क्या करेंगे, ये तो राजनीतिक जमात का काम है, ऊपर और जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है महिला का काम है, गायत्री पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, किस तरह पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए नहीं, पॉलिसी बनाकर और घर बैठ जाए पॉलिसी जी, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री है यूपी की, वो हमारे साथ है। शादा फातिमा जी आप महिला कल्याण मंत्री हैं, क्या महिलाओं का कल्याण हो रहा है आज के दौर में, वो भी तब जब यूपी में चार चार पांच पांच मामले रोज सामने आ रहे हैं और महिला दिवस पर तस्वीर और शर्मनाक हो जाती है जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, की बात करते हैं होता है बात पर सभी लोग फातिमा जी ऑडियो नहीं मिल रहा है, प्लीज उनको बताएं ऑडियो लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही है, ठीक है हम उनके पास फिर आएंगे। कृष्णा जी क्या आप सहमत हैं जो भी शबनम जी ने कहा कि राजनीतिक जमात को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी क्योंकि कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा अगर जिम्मेदारी लेंगे तो, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं शबनम की बातों से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि हमारी दसवीं तक की जो परीक्षा जो है एकदम बिल्कुल जो हमारी पढ़ाई है वो फ्री होनी चाहिए, साथ ही हमारा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने के लिए वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमारा फ्री होना चाहिए, इससे जो है बाकी का जो है जब बच्चा दसवीं तक पढ़ लेगा आगे की वो अपने आप रास्ता चुन लेगा। सुरक्षा कैसे लिखा होना, इसलिए सुरक्षा का भाव कैसे आए कृष्णा जी, सुरक्षा का भाव कैसे आए महिलाओं, गायत्री जब लड़कियां जब पढ़ेंगी उनका मनोबल बढ़ेगा तब उनके अंदर सशक्तता आएगी, गोल में सेल्फ डिफेंस बताइए आप, डिफेंस की उसमें सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, उनको क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है इस पर काम होना चाहिए, ठीक है इस तरीके की जो है ठीक है शादाब फातिमा के पास हम चलेंगे, अब उनको शायद आवाज मिल पा रही होगी। शादाब फातिमा जी आप महिला कल्याण मंत्री हैं, क्या महिलाओं का कल्याण हो रहा है आज के दौर में, आप बेहतर बता पाएंगी। शादाब फातिमा जी आवाज मिल पा रही है क्या आपको जी, शादाब फातिमा जी क्या के आ रही है जी, अभी तो आई है जी, क्या महिलाओं की हालत में सुधार हो रहा है, क्या वो मजबूत हो रही है, क्या सशक्तिकरण हो रहा है, किस तरीके से देखती हैं आप? बहुत ही पुअर क्वालिटी है, तो आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है शादाब फातिमा जी आपके पास हम फिर लौटेंगे जब आवाज आप तक पहुंच पाए। राखी दुबे जी दो बात निकल कर आई, एक तरफ कहा गया कि घर से संस्कार होने चाहिए, दूसरी तरफ बात आई कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जमात जो कि शासन में प्रशासन में है उन पर भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए मैं कहूंगी गायत्री हमारे दिखाने के लिए महिलाओं के फेवर में कई लॉज आ गए हैं, लेकिन धीमे धीमे सारे लॉज जितने भी लॉज है वो डायल्यूट होते चले गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो नहीं पा रहा बिकॉज सोसाइटी इटसेल्फ जो है वो सेंसिटिव नहीं है महिलाओं की तरफ पर थी, सोसाइटी जब तक नहीं होगी सेंसिटिव तब तक महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा, कोई महिला घर से बाहर निकल रही है तो सोसाइटी में बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल है जो इनको इंकरेज करेंगे कि हाँ तुम बाहर निकल रही हो, उसकी डिफिकल्टी समझेंगे कि हाँ घर एंड बाहर दोनों संभालना कितना मुश्किल है, बहुत ही हैंडफुल ऑफ आप देखेंगे पीपल है जो इनको इंकरेज करते हैं, नहीं होगा तुम नहीं कर पाओगी तुम घर में रहो, ज्यादातर जितनी लड़कियां चाहे भी कोई महिला होगी जो बाहर निकली होगी उसको ये डिस्करेजमेंट सुनने को नहीं मिला होगा, तो जब हमारे लिए बेसिकली मुझे जो लगता है कि जरूरी है कि हमें सोसाइटी का सोशल रिफॉर्म होना चाहिए और जब अब बच्चा पैदा होता है एक मेल पैदा होता है उसको शुरू से सिखाना चाहिए कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करें और उनको समझें, दे शुड बी सेंसिटिव टू अवर्ड फीमेल्स, और ये बचपन से सिखाएंगे तभी आगे जाके सोसाइटी में इंप्रूव हो पाएगी, तभी महिला जिंदगी भर की स्ट्रगल चलती रहेगी जी, महिला का सशक्तिकरण तो सरकारें ही कर सकती है, महिलाओं का सशक्तिकरण तो पॉलिसी बन के ही हो सकता है, लेकिन सवाल है अगर पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना हो जिस तरीके से लॉ प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो महिलाओं में एम्पावरमेंट हो पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है,
वो बंद करेगा। एजेंसी जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है, वो महिलाओं के लिए कुछ करना नहीं चाह रही है। सभी लोगों का काम है कि सारी तरीके से पॉलिसी बनती है, जिस तरीके से लॉ बनते हैं, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आज भी महिलाओं को इम्प्लीमेंट नहीं होते, वो डर में जाते हैं। सरकार का काम होता है भी नीलम दी, बहुत ज्यादा सालों का काम होता है। आप भी 60 साल सत्ता में रहे, आप भी ये इम्प्लीमेंट करना सरकारों का काम होता है, वो इस तरह की पॉलिसी बनाए। सिर्फ पॉलिसी बना कर हम कह रहे हैं सरकारों का काम होता है, इससे आगे तो नचाना सरकार है ना, आगे पीछे आप भी सरकारों का हालत हो रही है। नीलम जी नीलम जी खाने के लिए बना देंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे जी। जब नीलम से बच्चों का बाहर जा रहा है तो चार गाड़ी एक्स्ट्रा जाएंगी, ये सरकारों का काम है। होगा नहीं, जब एक कानून में अब जरूरत यह है कि कानून का प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, नहीं हमें पॉलिसी चाहिए। अमेंडमेंट आ गया, अच्छा है काम होता है नीलम दी। ठीक है ठीक है नीलम कुमार जी, आप बात है जी, लेकिन राजनीतिक कमजोरियां भी तो सामने आने दें, उस पर भी तो बातचीत हो कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन में आखिर दिक्कत कहाँ है। हम या शबनम जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही है। मीडिया इतने बड़े बड़े इश्यूज उठाता है, मीडिया सरकार कोई भी सीरियसली इम्प्लीमेंट तैयार नहीं है। मीडिया और सोशल लोगों का काम नहीं है, हम लोग आवाज उठाएंगे जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे। मीडिया तो वो लोग होकर रंग को राजा बना देती है। ठीक है मीडिया तो राजा को रंग को राजा बना देती है। कृष्णा जी अब राजनीतिक लोग ही ऐसी बातें करेंगे, अगर राजनीतिक लोग ही ऐसी बातें करेंगे फिर उम्मीद कहाँ टिकेगी। बिल्कुल, यहाँ पे जो अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो फिर जो है कोई भी हमारी बातों का कोई भी फैसला आएगा ही नहीं, हम किसी चीज का हल निकाल ही नहीं पाएंगे। और हमें तो इस एकजुट हो जाना चाहिए, चाहे वो आप किसी पार्टी में हो, चाहे आप बीजेपी में हो, चाहे वे सपा में हो, चाहे वे अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमको एक हो जाना चाहिए। और अगर हमें जहाँ तक बात है, हमें बहुत अजीब लग रहा है कि आपस में ही जो है बीजेपी कांग्रेस का इस तरीके से दिखाना कि किसने किया। इस समय ये नहीं कि कौन सी सरकार है क्या है, हमें सिर्फ एक महिला का साथ देना है जिसके साथ में अन्याय हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, के खिलाफ जो हमारे स्त्रियों के ऊपर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है राखी दुबे जी आपके पास, हालांकि आप राजनीति से ताल्लुक नहीं रखती लेकिन फिर भी आपसे मैं राय चाहूंगी। ये तो कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण हुआ, आपको लगता है कि महिलाएं खुद भी अपने सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं हम भूमिका निभाती है, अगर वो खुद ये सोचे कि हम आगे बढ़े। संसद में हम देखें कितनी महिलाएं बोलती हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महिलाओं के बारे में। गायत्री की कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि एक महिला बहुत कम होता है कि महिला महिलाओं को सपोर्ट करे। आज एक महिलाएं सारी एक दूसरे की परेशानी समझे, एक होके लड़े, तो मेरे ख्याल से जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा है ये हम जल्द ही एम्पावरमेंट मिलेगा हमें 50% की जो है स्टेटस वो मिलने का ही मिलेगा सोसाइटी में। लेकिन महिलाओं की सड़क की बात फिलहाल हम छोड़ देते हैं, घर समाज उसमें कोशिश की जाएगी। संसद में कितनी महिलाएं बोलते हैं जबकि महिलाओं से संबंधित कितने मुद्दे हैं। राष्ट्रपति ने कहा था कि आज के संसद में महिलाएं बोलेंगी, संसद में नहीं बोलती महिलाएं, बोला वो एक समाज के तरफ से गई हैं, तो उनको जो है बातें रखनी चाहिए। अंटिल अनलेस अगर वो बातें नहीं रखेंगी तो कैसे बात उभर के आएगी कि महिला एक किसी मतलब समाज को रिप्रेजेंट कर रही है और महिलाओं की रिप्रेजेंट करेगी जाने का फायदा ही क्या और बातें रखना। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो महिलाएं हैं अगर वो हमारी सांसद हैं कोई भी पार्टी की सांसद हो वो ये अगर सुन रही हो तो उन लोगों को जरूर ये बातें आगे रखनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, इससे ज्यादा ही कहूंगी। और इस टाइम हमारा तो मेन मुद्दा है यहाँ पे लड़ने का नहीं है और एक नारी को सशक्त करने को। नीलम जी आप हर बात में कुछ ना कुछ अगेंस्ट बोल रही है, आप भी एक नारी है, आपके पास भी बेटी हो सकती है, मेरे पास भी बेटी है, औरों के पास देखना है कि हमारी लड़कियां घर से निकले तो वो सुरक्षित हो, उनको सुरक्षा मिले, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं कहना चाहिए। वही कह रहे हैं नारी को कैसे सुरक्षा मिले,
निकलेगी तो कौन उनकी सुरक्षा देखेगा? शबनम, क्या क्या महिलाएं भी कुछ अब तक जिम्मेदार है? सरकारी सुरक्षा की हमने बात देखी, सुरक्षा देगी। उसके बाद अगर घर समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां से भी उनको डिस्करेज किया जाता है। गायत्री, महिलाओं की तरफ पहले माँ जो जन्म देती है वो सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम हो या पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है, आप माँ को कहीं ना कहीं सशक्त होना पड़ेगा, अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा कि जब हमें बेटा बेटी जेंडर देखकर बेटा होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। हाँ, हमें बेटी के होने पर भी उतनी ही खुशी मनानी पड़ेगी, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। बेशक दीदी कह रही थी कि क्या सब काम आप महिलाओं पर ही थोप देंगे, अगर हमारे करने से बनेगी बात तो हम करेंगे, और हमें पुरुषों के साथ जोड़कर काम करना होगा तो हम उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुरुष भागीदार बनेंगे नीलम दी, पुरुष निराशाजनक बातें मत करिए। पुरुष मेरा साथ नहीं देगा तो गायत्री क्या अगर पुरुष को दिखाऊंगी जी, मैं उस पुरुष को बताऊंगी जो मेरी बात नहीं सुनता होगा। यस, उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा। इसके लिए सरकारों को प्रोग्राम जारी सवाल के लिए जो राजनीति से जुड़ा है, संसद में फिर महिलाएं क्यों नहीं बोलती? महिलाओं को भेजा इसलिए गया कि महिलाओं की से संबंधित चीजों को वो उठाएं, उन सवालों को उठाएं जो सड़क पर उठते रहे। आपके पास इस सवाल के लिए हम आएंगे। शादा फातिमा यूपी की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री, वो अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन तक शायद आवाज पहुंच पा रही हो। शादा फातिमा जी, आप किस तरीके से देखती हैं एक दिन महिलाओं के लिए, उनको तवज्जो देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनके अधिकार देने के लिए उनको, लेकिन उसे एक दिन भी सुरक्षित नहीं? कृपया अपना सवाल दोहरा दें। क्या महिला सशक्तिकरण पर जो बात होती रही है, क्या वो माहौल है आज? क्या महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? जी हाँ, देखिए कोई भी शुरुआत जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन उसका महत्व इस बात में होता है कि कहीं से तो शुरुआत हुई। और महिला सशक्तिकरण कि जो बात हो रही है, यकीनन उसका लाभ मिला है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं अपनी बात को मजबूती से उठा रही हैं। वो महिलाएं जो गांवों में रहती थी, घूंघट की आड़ से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो निकल करके बाहर आ रही हैं। जी, अगर आप गांव में देखें तो आज लड़कियां स्कूटर भी चला रही हैं, बाइक भी चला रही हैं जी, और अपनी बात को मजबूती से कह रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि जितना काम होना चाहिए था, जितना महिलाओं को आगे आना चाहिए था, उस रफ्तार से काम नहीं हो पाया है। फिर भी ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये गलत होगा। सशक्तिकरण के लिए सबसे अहम जी सुरक्षा, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आपने ये भी कहा कि महिलाएं अपनी बातों को अच्छे से उठा पा रही हैं, लेकिन अभी ग्रेटर नोएडा के एक लड़की के साथ, एक छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश होती है, वार्डन के पास जाती है, वार्डन कहती है कि टाल देती है सुबह के लिए, उसके बाद मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर कहते हैं कि बात को दबा दो, वो कहां अपनी बात उठा पा रही है? यही हम कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं ये कहूंगी कि अपराध तो महिलाओं के प्रति जो हुए हैं उन पर हमारी सरकार गंभीर है और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और ऐसे लोग जैसे वो मैनेजर हैं जिन्होंने कहा है इस बात को दबा दो, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नहीं, अपराध साबित हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं कि जांच होगी, मुकदमा दर्ज होगा, वो तो है भाई, ये वो आश्वासन है जो हम साल के 365 दिन सुनते हैं। आज हम थोड़ा अलग बात कर रहे हैं, वो हालात बनते ही क्यों है कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए थोड़ी काम करती है। तो आप सुने तो सही, आप सुने तो सही जी, आप सुने तो सही, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही 11 जनपदों में हम लोगों ने आशा ज्योति केंद्र खोले हैं और महिला हेल्पलाइन के तौर पर 181 को शुरू किया है कि उन केंद्रों के ऊपर महिलाओं को हर तरह की कानूनी सहायता भी मिलेगी, हर तरह की सहायता उनको वहां पर दी जाएगी। साथ में आज ही लॉन्च किया गया है, उन केंद्रों पर रेस्क्यू वैन भी की गई है कि यदि कोई महिला कहीं मुश्किल में आती है वो उस नंबर को डायल करेगी और वो रेस्क्यू वैन फौरन उसकी मदद को पहुंचेगी। जी, जो भी अपराध होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अफसोस नहीं होता है, हम लोगों को अफसोस होता है, लेकिन एक बात बताएं
कि घर की चार दीवारी के अंदर भी जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, बच्चियों के प्रति अपराध हो रहे हैं, जो इंसेस्ट के मामले हम देखते हैं जिनमें अक्सर उसके ब्लड रिलेशन के लोग शामिल होते हैं, कई बार तो मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि पिता और भाई तक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, तो ये समाज की एक विकृत मानसिकता है और जरूरत है हमें उस मानसिकता को बदलने की। नीलम जी, हर परिवार अपने बेटे को भी समझाए कि वो महिलाओं का सम्मान करे। नीलम जी जवाब दीजिए जी। हम यहाँ बैठे हैं सशक्तिकरण की बात करने के लिए, ना कि एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। हम बात कर रहे हैं कि महिला सशक्त कैसे हो। महिला सशक्त हो जाएगी तो ऐसे क्राइम भी खत्म हो जाएंगे, और महिला सशक्त तब होगी जब फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होगी। नीलम जी आप मुझे बताइए ना, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सरकार बताइए ना कैसे सशक्त होंगी। आप कह रही हैं पढ़ लिख जाएंगी तो ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। हाँ हम बता रहे, वो ऐसे सशक्त होंगी जब पॉलिसी बनेगी। देखिए महिलाओं को दोनों रोल तो निभाने होंगे, एक माँ का रोल भी निभाना होगा और समाज के प्रति जो दायित्व है और अपने प्रति उनके लिए जो दायित्व है निभाना होगा। तो कैसी कोई पॉलिसी बनाए कि वो घर में अपना घर भी देखे और जब बचे हुए समय में वो घर से काम भी करे। जैसे आजकल डिजिटल इंडिया का बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो घर में उस तरह की पॉलिसी बनाए, उस तरह के काम बनाए बैंक या पब्लिक सेक्टर्स जिसमें महिलाएं कुछ घंटे के लिए घर से ही काम करे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। जब महिलाओं के पास फाइनेंशियल ताकत आ जाएगी तो वो अपने समाज को सुधारने की कुछ ताकत रखेंगी। कह रही थी कि कई बार घरों में अंदर लड़कियों के साथ इस तरीके के कुकर्म किए जाते हैं, इन सब पे शिकंजा कसा जा सकता है। आप अपराधियों को सजा देना तो शुरू करिए, चाहे वो माँ हो, चाचा हो, माँ हो, बाप हो, चाहे बहन हो, भाई हो, जो भी किसी भी महिला का शोषण कर रहा है, सजा देने वाले तो बनिए। सरकार तो आंख मूंद के पहले राजनीति करना शुरू कर देती है। उसने किया था बलात्कार, नहीं किया था, बच्चा था गलती से कर गया, आप ऐसी चीजों को शरण देंगे तो फिर तो परिवार वाला भी हावी होगा, बाहर वाला भी हावी होगा। आप इन चीजों पे तो अंकुश लगाने की, और यूपी की मैं बात कर रही हूँ गायत्री, खासकर उत्तर प्रदेश में बात कर रही हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, पता नहीं शादाब फातिमा जी घूमती हैं गली गली घर घर या नहीं, लेकिन मैं जब भी उत्तर प्रदेश के दौरों पर रहती हूँ मैं देखती हूँ वहाँ कानून व्यवस्था डीएम नहीं सुनने को तैयार, एसएसपी सुनने को तैयार नहीं, और वो जो थाना आप बता रही हैं वहाँ बात महिला का बात करना तो छोड़िए, जब पूरा गांव का गांव जाता है तब वहाँ सुनवाई नहीं होती। वहाँ एक बड़ा लीडर जो डिक्टेट करता है किसी को, वो अधिकारी को डिक्टेट करता है किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप स्पेसिफिकली बताइए कि किस जिले का डीएम और किस जिले का एसपी अगर किसी महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है और उसमें मुकदमा दर्ज करके उनका छोड़कर कोई और सुनने को तैयार नहीं। 109 जिले के जितनी शिकायतें मिली है उनका निपटान एक मामला आया था जहां पर कुछ लोगों ने महिला को निर्वस्त करके दिखाया। मैंने वहां के एसपी को निर्देश दिया था कि तत्काल मुख्यमंत्री जी का कीमत आप तो सत्ता में, अगर आपको ये पूछ पूछकर कार्रवाई करनी जा रही है और की जाए, क्या आपको अपने अधिकारियों की और अपने मंत्रियों के बारे में, अपने विधायकों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? अगर जनता आपको शिकायत करेगी तो फिर आपकी जरूरत क्या है? आपको तो खुद जाकर देखना चाहिए कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप शबनम जी से पूछ रहे हैं कि आप डीएम का नाम बताइए कौन नहीं सुन रहा है, आपको भी पता होना चाहिए सारे नाम। ठीक है, तो पूरी बस्ती का नीलम जी ने जो सवाल उठाया उस पर बहुत जल्दी से, कृष्णा जी इंडिपेंडेंट हो गई महिलाएं, जांच बात महिलाएं अपने घर से बाहर, यानी कि जब ऑफिस से बाहर सड़क इंडिपेंडेंट नहीं होती है, सड़क पे कोई भी पेट्रोलियम नहीं होता है, कोई भी जो पुलिस वाला नहीं दिखाई देता, वो भी एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है महिलाएं सुरक्षा जो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। सरकार भूल गई है क्या? निर्भया कांड आप भूल गई है?
और उसके बाद जिस लड़की के साथ आपको चुनाव कहीं ना कहीं सुरक्षा देना सरकार का काम है। ठीक है, मैं बोली देना सरकार का काम है और निर्भया सरकार के लिए कुछ शादाब फातिमा जी यूपी की मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ी। राखी दुबे जी, कृष्णा शर्मा जी, रुमाना सिद्दीकी जी और साथ ही शबनम जी, आपका, नीलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।